युवा कांग्रेस मीडिया विभाग द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में मुख्य रूप से मीडिया विभाग ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पिछले 18 सालों से काबिज है और आज मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कोई भी काम 50% कमीशन के बिना नहीं करती है। बिना कमीशन ना कोई ठेका मिल रहा है, ना ही किसी युवाओं को बिना कमीशन के रोजगार मिल रहा है। साथ ही उनका कहना है कि ना ही कोई उद्योग बिना सरकार को कमीशन दिए मध्य प्रदेश के अंदर लगा सकता है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार से जन जन आक्रोशित है। मध्य प्रदेश का युवा बदलाव की ओर से अग्रसर है। भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया विभाग द्वारा 50% कमीशन के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोमेंटो कैंपेन और मेमोजोन कैंपेन के माध्यम से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की कमीशन खोरी को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। युवा कांग्रेस आमजन युवाओं तक 50% कमीशन की बात पहुंचाएगी। जिस तरह से 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने अपने वादों को पूर्ण किया था, उससे मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास है कि कांग्रेस सरकार बनते ही आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा किए गए जनहित के वादे जल्द से जल्द पूर्ण होंगे। जो बिजली विभाग के कर्मचारियों जो द्वारा फर्जी बिल वगैरह, ये क्या मामला है? आप यहाँ की जनता का ये कहना है कि ये जो मीटर की रीडिंग लेने आते हैं, मनमानी रीडिंग देते हैं, जिसके कारण बिजली के बिल बढ़ते हुए आ रहे हैं, जिससे यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। आए दिन यहाँ पर काफ़ी बढ़ते हुए बिल आ रहे हैं और इसके साथ ही बिजली की कटौती भी काफ़ी होती है। तो आप क्या करना चाहते हो, क्या विचार हैं आपके? मतलब इसके लिए यही है कि सरकार को जो रीडिंग है, जो रीडिंग लेने आते हैं अधिकारी कर्मचारी, वो सही रीडिंग दे, जिससे जनता को ये बढ़ती हुई बिल आ रहा है उससे निजात मिल सके। और आगे जैसे ही सरकारी संस्थाओं के तहत बहुत सी चीज़ें जो आधुनिक उपकरण के जो जर्जर हो चुकी हैं, इलाज वगैरह, मतलब किस प्रकार का ये है? आप यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ पर जो सड़क बनने में ये, इसमें PW और जो सड़क अधिकारी हैं, ये दोनों की मिली भगत के कारण ये घोटाले हो रहे हैं, जिससे सड़कें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ पर कोई भी काम 50% कमीशन के बगैर पूरा नहीं होता है। पहले कर्नाटक में 40% कमीशन था, मध्य प्रदेश में आते आते 50% कमीशन हो गया है। कोई भी काम बिना कमीशन के मध्य प्रदेश में नहीं होता है। किसानों के बारे में, आप किसानों के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप किसान जो किसानों लोग को भी आए दिन काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, जैसे कि उनको खाद का सही समय से न मिलना, और खाद ब्लॉक में और शहरों में दुकानदारों में और उनका सही तरीके से वो ना होना, जिसके कारण किसानों को काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और उनको लागत का सही दाम भी नहीं मिल पाता है। वैसे देखा जाए तो शिवपुरी शहर में सबसे बड़ी एक समस्या है, वो है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी पर आप कैसे देखते हो, और अगर मान लो मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किस तरीके से, मतलब सरकार या आपके क्या विचार रहेंगे? बेरोजगारी शिवपुरी में नहीं बल्कि सभी जगह बेरोजगारी काफ़ी है, और मध्य प्रदेश बेरोजगारी में सबसे नंबर वन है। बेरोजगारी के कारण काफ़ी जो नए युवा हैं वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और गलत कामों में भी आते हैं। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी यहाँ पर जो रोजगार की फैक्ट्री देंगे और नए आयाम रोजगारी खोलेंगे, जिससे युवाओं को इसके अवसर मिलेंगे और उन लोगों को रोजगार का फायदा भी मिलेगा। समीर खान, शुक्रिया मीडिया कोऑर्डिनेटर, कांग्रेस शुक्रिया। आपने आज मीडिया कर्मी को बुलाया है, किस उद्देश्य से बुलाया है? हाले हो रहे हैं, जिसमें 15 लाख के बिना कोई नौकरी नहीं मिलती है। पटवारी में 15 लाख रुपये, 10 लाख रुपये कॉन्स्टेबल में। और क्या कांग्रेस का, मतलब आप जो लेके बैठे हैं एजेंड, क्या क्या है, मतलब यूथ कांग्रेस का आप जो बता रहे हैं कि फर्जीवाड़ों पर, भ्रष्टाचारों पर, क्या है आपके पास थोड़ा? इसमें 50% के बिना कोई काम नहीं होता, बिना उसके पैसों से कोई भी यहाँ पर रोजगार या नौकरी कुछ भी नहीं मिलती है। समुचित पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल है। हम और गवर्नमेंट चेंज होने पर कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री बनेंगे, एक ही पेपर होगा मध्य प्रदेश में और परीक्षाएं जो सही ढंग से होंगी। तो ये कांग्रेस क्या मांग कर रही है सरकार से? ये तो कांग्रेस यही मांग कर रही है कि जो आए दिन ये घोटाले हो रहे हैं, ये बीच में ये घोटाले हुए थे, इनकी समुचित जांच कराई जाए और ये जो घोटाले हुए हैं उनमें भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाए। अभी हाल ही में देखा जा रहा है नर्सिंग स्टूडेंटों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किए जा रहे हैं, हजारों नर्सिंग स्टूडेंटों के साथ,
उस पर क्या कहेंगे? उस पर सरकार 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 आने पर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, और जो सामने उजागर आया है जी, जो मुद्दा सामने आया है उसकी निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी जी। क्या